हो गया आराम से रोटेशन ऑन कर ली बस गजब 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 ठीक है लगाओ लगाओ दे दे चुप रहो रोल है भाई रोल है विधायक जी आज कई करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया गया है कौन कौन सी योजना है और कब पूरा होने की इनकी अनुमान लगाया जा रहा है कोई बड़ी योजना नहीं है लेकिन चूंकि ये एक लंबे समय की एक बीमारी थी कि सिकंदरपुर से बढ़ा के बीच में पानी भरता है और यहाँ पर हजारों लोग इस सोसाइटी में रहते हैं हजारों लोग सिकंदरपुर गांव में रहते हैं बढ़ा में रहते हैं मेन रास्ता है तो यहाँ पर पानी भरता था उसके नाले का प्रोजेक्ट आज हमने शुरुआत की है सुंदर भाई ने महावीर जी ने कई लोगों पर शिकायत भी की तो उसका टेंडर बन गया एस्टिमेट अप्रूव हो गया वर्कलोड हो गया है अभी मैंने ये कहा है कि भाई जब आप नाला बढ़ाओगे तो रोड कौन बनाएगा तो रोड का भी एस्टिमेट मैंने बनवाने के लिए डायरेक्शन दे दिए मैंने कहा रोड बन गया तो अंधेरे में कौन चलेगा तो लाइट का भी मैंने इनको कह दिया है और इन्होंने कहा कि हम 4 महीने में बनाएंगे मैंने कहा भाई तुम 6 महीने में तैयार कर दो यही आज का प्रोजेक्ट था और इस बारे में दूसरा ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में GMDA में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए उनके लिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा 64 करोड़ रुपए 67 करोड़ रुपए अब शायद 70 भी बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 साल पहले 1.5 साल पहले अप्रूव हुए थे रामपुरा से और हयातपुर का ये रोड हमने कई बार GMDA में इसकी बात उठाई और 82, 83, 85 का कल रोडों की शुरुआत कर रहे हमारी पार्टी की बैठक है मैं रह नहीं पाऊँगा हमारे दूसरे साथी विधायक वो रहेंगे और इसके अलावा 18 गांव में GMDA के और निगम के जो पड़ते हैं इन गांव में पीने का पानी हम GMDA के मार्फत हमें मिला मैं इन करोड़ों रुपए की सौगातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने GMDA के मार्फत हमें दी और एक सामने ये टोल के पास फ्लाईओवर भी आ रहा है तो इन सब चीजों के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ अच्छा आपके सामने अभी मानेसर नगर निगम क्षेत्र में दुकानों को सील करने का मुद्दा उठा लगातार इस पे पहले भी विरोध जताया जा चुका है आपसे मुलाकात भी की गई है लोग परेशान हैं इसको लेकर मेरा स्टैंड पहले भी क्लियर था आज भी स्टैंड क्लियर है निगम के गठन तक जो बने हुए हैं उनको कोई छेड़ नहीं रहा लेकिन जो निगम के बाद बना रहे हैं बगैर परमिशन के एक तो उनकी प्रॉब्लम है दूसरा जिनको निगम बढ़ा था उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की वायलेशन हुई थी वो सारे नोटिस निगम में ट्रांसफर हो गए वायलेशन टाउन कंट्री प्लानिंग की है वो हो गए ये 3-4 विषय है उनको भी हम तोड़ने नहीं दे रहे हम ये कह रहे हैं कि भाई आप कोर्ट में जाओ आप रिप्रेजेंट करो यदि आपका लीगलाइज का कोई चांस है कोई तो आप अपनी ट्राई करो पीछे ये जो अभी जो कह रहे हैं इनके तोड़ने के लिए उस दिन आदेश थे कि तोड़ना है लेकिन हमने कहा रिक्वेस्ट किया अधिकारियों से कि भाई इनको माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने मैसेज पहुंचाया कि जी किसी का तोड़ ना जाए इनको 1-2 महीने टाइम दे दो सील करके किसी का नुकसान ना किया जाए और जब तक कहा कि कल को ये ना कहे कि भाई मेरे को एकदम तोड़ दिया अब जब ये तय हो गया कि भाई ये अप्रूव हो जाएंगे तो अप्रूव हो जाएंगे और जब किसी भी सूरत में कोई इनको अप्रूव कर ही नहीं सकता किसी एक्ट में आएंगे नहीं तो फिर कानून अपना काम करेगा अच्छा, तो मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ 5 राज्यों में चुनाव है और अब कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार डंके की चोट पर हम 5 राज्यों में बना रहे हैं पंजाब में भी बन रही है सरकार बिल्कुल बन रही है पंजाब में हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं पंजाब के अंदर निगम का चुनाव हम तैयार है थोड़ी सी कमी रह गई है कि सेंसेस की मेरा ये मानना है कि पुनः सेंसेस होनी चाहिए जिस तरह से अब लोगों ने बात बताई है 20 लाख के लगभग आबादी लोग बता रहे हैं कि मेरा मानना है कि 10 लाख भी मान ली जाए तो भी हमारे वार्ड की संख्या 25-30 बन रही है और इस बात को क्योंकि तमाम डेवलपमेंट की बात उन्हीं से होती है इसलिए बहुत जल्दी ये जब काउंटिंग का काम पूरा होगा ऑर्डर कर दिए है एजेंसी दे दी लगा दिए कोई सर्वे के लिए जो ही पूरा होगा वार्डबंदी शुरू करा के चुनाव करा दिए जाएगा जो है कई परियोजना का शिलान्यास किया गया है कैसे देख रहे हैं लोगों को कितना फायदा होगा आज मानेसर नगर निगम के जोन 2 में लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास के विकास कार्य का शिलान्यास अभी विधायक पटौदी बड़े भाई सत्यप्रकाश जरावता जी ने किया है और उसमें विशेष रूप से जो कार्य किया है जिसके लिए लगातार 4 साल से गांव सिकंदरपुर बढ़ा और इनके साथ और इस सोसाइटी
इन लोगों की जो समस्या थी जो पिछले चार वर्षों से चली आ रही थी और चुनाव से पहले भाई साहब ने जो वादा किया था कि सत्यप्रकाश जरावता जो कहता है वो करता है उसे आज पूरा कर दिखाया है। हम इसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में गाँव सिकंदरपुर, गाँव बढ़ा के साथ साथ और इस सोसाइटी के लोगों को एक सुंदर रोड से साफ सुथरी जगह से निकलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। कई और मांगे भी रखी गई है विधायक जी के समक्ष। निश्चित रूप से जब भी विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी क्षेत्र में या गांव में आता है तो हमेशा गांव वालों की मांग होती है और वो मांगे कुछ मांगे उनमें से पूरी हो जाती है, कुछ में काम किया जाता है। तो निश्चित रूप से आज कुछ मांगे रखी गई है जिन पे तुरंत प्रभाव से कुछ पे तो भाई साहब ने अभी अमल करके अधिकारियों को निर्देश दे दिए, चाहे वो इस रोड से संबंधित हो या लाइट से संबंधित हो, और कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पे विचार करके उन्हें भी पूरा कराया जाए जाने की आश्वासन दिया गया है। नमस्कार, मैं मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त सुंदर सरपंच हैं जिनके इलाके में आज 4.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। हालांकि इसकी डिटेल जो है विधायक साहब ने दे दी कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, मगर हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस इलाके में, हालांकि 4.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत मतलब शिलान्यास आज कर दिया गया है, मगर आपने इस इलाके में काफी काम किया है, लोगों की जन समस्याएं हर सप्ताह आपके पास लोग पहुंचते हैं, ऐसे में ऐसी कौन कौन सी और समस्याएं हैं जो आपकी लिस्ट में हैं जिनको आपको किसी न किसी तरीके से करवाना है? देखिए, निश्चित रूप से जब से नगर निगम का ये क्षेत्र बना है तो कुछ समस्याएं तो बिल्कुल आ रही है कि लोगों ने जो पुराने मकान बनाए हुए हैं, पहले तो निगम के अधिकारियों ने उस पर भी नोटिस देने शुरुआत कर दी थी, लेकिन जब विधायक जी से मिलकर हमने इस पर चर्चा की तो विधायक जी ने निर्देश दिए तो उन पर तो उन्होंने अभी कोई नोटिस देना बंद कर दिया है। अब जो समस्या आ रही, जो नई कंस्ट्रक्शन के जो काम चल रहे हैं, या तो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि भाई ये अपना रेगुलाइज करा लें इन दुकानों को, या किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई समाधान तो सरकार को सोचना चाहिए, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी है चाहे वो सरकार के नुमाइंदे, उनको ये करना पड़ेगा कि भाई लोगों का यहाँ कोई कमाई का जरिया तो है नहीं, कोई हर तबके के लोग हैं यहाँ, तो सबका ये प्रयास है कि सरकार कोई अपनी पॉलिसी लेकर आए, अपनी तरफ से क्लियर करे ताकि दुकानों को और मकानों को रेगुलाइज कर सके और लोग अपना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। सरपंच साहब, हमें एक बार दिखाएं वो पानी जो कहाँ जहाँ भरा था, लाइव दर्शक आपके साथ जुड़े हैं जिसके लिए आप काफी लंबे समय से जो है जुड़े हुए थे, लगे हुए थे लोगों के साथ, हम वो भी देखना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये भी, और भी जो आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में आप काफी लंबे समय से सक्रिय हैं, पहले तो ये कितना पुराना ये मसला है, तस्वीरें मैं आपको दर्शकों को दिखा दूं कि इस जगह पर जो है ये जो पानी है, इस समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही थी, जहां पर आज इन परियोजनाओं का जो है 4.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। क्या कुछ तैयार होना है सरपंच साहब यहां पर? लगभग ये 4 वर्षों से एक लंबित मामला चल रहा था जी। और बहुत पुराना ये मामला, 4 वर्षों से दोनों पंचायतों ने बड़े स्तर पर काम किया था लेकिन पंचायत की क्षमता से बाहर का ये काम था। PWD के साथ भी इसके मिलकर प्रयास करते कि इस काम को करवाया लेकिन नहीं हो पाया। ये काम आज नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सत्यप्रकाश जरावता जी के निवेदन पर इसे किया गया है, तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस ऐतिहासिक कार्य कराने के लिए। क्षेत्र के लोगों को काफ़ी उम्मीद है आपसे कि भविष्य में आप उनका नेतृत्व करेंगे, तो ऐसे में उनकी जो उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, अगर भविष्य में आपको एक बड़ी कोई सौगात सौंपी जाती है या फिर कह सकते हैं कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो किस तरीके से निभाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं पार्टी का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी चाहे वो किसी भी तरीके की जिम्मेदारी हो, मैं अपना पूरी तरफ से प्रयास करूँगा कि मैं उस जिम्मेदारी पर बिल्कुल खरा उतरूँ। पार्टी और संगठन भारतीय जनता पार्टी में तय करने वाले होते हैं कि किस आदमी को क्या दायित्व दिया जाना है, और पार्टी और संगठन मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा कि मैं पार्टी के पद चिन्हों पर चलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरपंच सुंदर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सिकंदरपुर बढ़ा के अंदर जिस तरीके से कमियां थी, जो मांगे थी लगातार लंबे समय से बनी आ रही थी, उन मांगों को पूरा करवाने के लिए काफी लंबे समय से आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे वो जुड़े हुए थे, और ऐसे में पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने आज के दिन यहां पहुंचकर उन सभी रोड, पानी और सड़कों की जो समस्याएं थी, सीवर की जो समस्याएं थी, उनको लेकर 4.5 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास किया है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि ये शिलान्यास के बाद अब उद्घाटन का दिन कितने दिनों में लौट कर आता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।